लोगों के लिए क्यूब रूट के शॉर्ट ट्रिक को लेके आई हूँ। इस ट्रिक के हेल्प से आप बहुत ही इजीली अपने क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। सो गाइस, आप अगर इस ट्रिक को जानना चाहते हो तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्यूब रूट का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 13,824। इसका हमें क्या करना है कि क्यूब रूट को निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें बेस को तैयार करना पड़ेगा, क्यूब के बेस को। लाइक मैंने क्या किया है यहाँ पे कि 1 के क्यूब को लिया है, जो कि 1 का क्यूब होता है 1, फिर मैंने 2 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब लिया, 5 का क्यूब लिया, और इसी तरह मैंने टोटल 9 के क्यूब तक को लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 से 9 तक के क्यूब को लिया है, जो कि हमारा बेस बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ के जो लास्ट 3 डिजिट है उसे हम हाइड कर देंगे। ये लास्ट 3 डिजिट को मैंने क्या किया कि हाइड कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या बचा हमारा, 13। अब हम ये देखेंगे कि 13 जो है वो किसके क्यूब के आसपास आता है। तो हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे, ये जो 13 है वो 2 के क्यूब के आसपास आ रहा है, जो कि 8 है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम 2 को ना लेके अगर हम 3 को लेते हैं, तो 3 का जो क्यूब है वो 27 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कम वाले को लेंगे, तो हम यहाँ पे 2 के क्यूब को लेंगे, जो कि 8 है, और 8 जो है वो 13 के ज़्यादा करीब है। तो हम यहाँ पे 2 के क्यूब को लेंगे, तो हम यहाँ पे 2 को पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे लास्ट डिजिट को, तो लास्ट जो डिजिट है वो है हमारा 4। और तो ये जो बेस लिस्ट है उसमें हम ये फाइंड करेंगे कि कौन से क्यूब के लास्ट में ये डिजिट 4 आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का जो क्यूब है वो 64 है, और 64 के लास्ट में 4 आता है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को पुट कर देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है 1,03,823 का क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि लास्ट के 3 डिजिट को हमें हाइड करना होगा। तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट को हाइड कर लिया, तो हमारा क्या डिजिट बचा हम यहाँ पे, तो हमारा जो डिजिट बचा वो है 103। अब हम ये फाइंड करेंगे कि 103 जो है वो इस बेस लिस्ट में किसके आसपास है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि 103 जो है वो 64 के आसपास है, क्योंकि अगर हम 125 को लेंगे तो 125 जो है वो 103 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि कम वाले को लेंगे। जनरली हम जो है वो स्मॉल को लेते हैं, बिग को नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 64 के लेंगे, और 64 जो है वो हमारा 4 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 को पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट को देखेंगे, तो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा है 3। तो हम इस बेस लिस्ट में फाइंड करेंगे कि 3 जो है वो किसके एंड में है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखेंगे कि 3 जो है वो 7 के क्यूब के लिस्ट में है। मीन्स 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है, और यहाँ पे भी हमारा जो लास्ट में जो डिजिट है वो 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 को पुट कर देंगे, यानी कि जो हमारा 1,03,823 का क्यूब रूट जो है वो 47 आएगा, और ये जो 47 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, आइए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल को लेके बताती हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा 1,10,592। अब हमें क्या करना है क्यूब रूट निकालने के लिए, सबसे पहले हमें ये जो लास्ट के 3 डिजिट है उसे हाइड कर लेना है। मैंने क्या किया, लास्ट के इस 3 डिजिट को हाइड कर लिया, तो हमारा यहाँ पे क्या डिजिट बचा, 110। अब 110 को हम इस लिस्ट में से, बेस लिस्ट में से फाइंड करेंगे कि किसके आसपास में आता है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये 4 के क्यूब के आसपास में आता, जो कि 64 है, क्योंकि अगर हम 5 के क्यूब को लेते तो वो 125 है।
जो कि 110 से बड़ा है, तो हम स्मॉल वाले को लेंगे, यानी कि हम 4 के क्यूब को लेंगे जो कि 64 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को पुट कर देंगे. ओके, अब हम लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो है हमारा 2. अब हम ये इस लिस्ट में देखेंगे कि 2 किसके लास्ट में आता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 8 का जो क्यूब है वो 512 है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि 8 को पुट करना है, और हमारा जो 1,10,592 का जो क्यूब रूट है वो हो जाएगा हमारा 48. बहुत इजी सा ट्रिक है दोस्तों, आप इसे अप्लाई करके बहुत इजीली क्यूब को निकाल सकते हैं. आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको बेस को तैयार करना है, नंबर को हाइड करना है, फिर बेस से आगे वाले जो नंबर है उसे मैच करना है, जिसके भी करीब आएगा आपको वहाँ पे यहाँ पे वो सारे अमाउंट को पुट करना है, और उस नंबर को पुट करने के बाद आपको लास्ट वाले डिजिट से इस बेस को मैच करना है, और मैच करने के बाद आपका जो आंसर है वो सेकंड्स में आ जाएगा. बहुत इजी से ट्रिक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. अगर आप लोगों को इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक को लाती रहूँगी. थैंक यू.